नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। भारत के पूरब में मौजूद एक ऐसा समंदर जो जमाने से विवादों का गढ़ रहा है। कई देश उस पर अपनी दावेदारी पेश करते आए हैं। कम से कम बीते 70 सालों से यह समंदर और इसमें मौजूद कई छोटे छोटे टापुओं को लेकर विवाद चलता रहा, लेकिन हाल ही में सबसे ज्यादा तकरार जिन दो मुल्कों के बीच देखने को मिली वो है चीन और फिलीपींस। फिलीपींस ने चीन के दखल को 2013 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन चीन ने इस कार्रवाई में हिस्सा तक लेने से इनकार कर दिया। अब अदालत ने फैसला सुना दिया है, लेकिन चीन इसे मानने से साफ इनकार कर रहा है। उसके कई तर्क हैं और कई दावे भी। विशेष में आज हम इन्हीं तमाम पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को खारिज कर दिया है। हेग की अदालत ने कहा कि चीन ने यहां जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है और जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ट्राइब्यूनल में फिलीपींस ये मुकदमा लेकर गया था और पूरी सुनवाई के दौरान चीन ने अदालत की कार्रवाई में कोई हिस्सा नहीं लिया। चीन ने कहा है कि वो इस फैसले को मानता ही नहीं है। दक्षिण चीन सागर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के बाद फिलीपींस में खुशी की लहर दौड़ गई। फिलीपींस इस मामले को 3 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले गया था, लिहाजा नागरिकों के पक्ष में फैसला आते ही मनीला में जश्न शुरू हो गया। कई राष्ट्रवादी संगठनों ने इसे चीन की हार करार दिया। कार्यकर्ताओं ने चीन से अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपील की। China, you can never intimidate us. We will continue sailing in our islands. We will continue to fish in our waters. We will continue to swim with your Chinese Coast Guard. You will not stop us. Our hearts will continue to beat for peace. This is Philippines for the entire world. This is a victory for all of us. हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि 9-line के तहत आने वाले जल क्षेत्र पर चीन का दावा सही नहीं है। 497 पन्ने के अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि दक्षिण चीन सागर के संसाधनों पर चीन के ऐतिहासिक अधिकार का कोई प्रमाण नहीं मिलता। न्यायाधिकरण ने कहा कि बीजिंग ने यहां के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। फिलीपींस के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले का स्वागत किया। If the 9-dash line is illegal as applied against the Philippines, as the tribunal declared today, then it is equally illegal as applied against Indonesia, Vietnam, Malaysia, and other states along the South China Sea. The Philippines strongly affirms its respect for this milestone decision as an important contribution to ongoing efforts in addressing disputes in the South China Sea. The decision upholds international law, particularly the 1982 UNCLOS. वहीं चीन ने फैसले को खारिज कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दो टूक शब्दों में कहा कि वो देश की संप्रभुता और समुद्री अधिकार से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। जिनपिंग की टिप्पणी के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से उसके दावे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर तल टिप्पणी करते हुए इसे पाखंड करार दिया। चीन का दावा है कि दक्षिण चीन सागर की खोज और नामकरण से लेकर यहाँ के द्वीपों की पहचान और उसका इस्तेमाल सबसे पहले चीन ने किया, लिहाजा इस सागर पर वो अपनी दावेदारी अदालत के फैसले के बाद भी छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ताइवान ने भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। ताइवान ने इतु एबा द्वीप पर अदालत के फैसले से नाराजगी जताई है। दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाके में मौजूद इस द्वीप पर ताइवान का अधिकार है। 相关仲裁判断,
इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से मसले का शांतिपूर्ण हल निकालने की अपील की है. The Secretary General has consistently called on all parties to resolve their disputes in the South China Sea in a peaceful and amicable manner through dialogue and in conformity with international law, including the UN Charter. It remains important to avoid actions that would provoke or exacerbate those tensions. दक्षिण चीन सागर पर फैसला आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हलचल भी तेज हो गई है. कई देशों ने चीन से अपील की है कि वो अदालत के फैसले का सम्मान करे. साथ ही कुछ देशों ने चीन से ये भी कहा है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए इसका निपटारा करें. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी. असल में अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल ने दक्षिण चीन सागर पर जो फैसला दिया है उसको मानना किसी भी देश के लिए बाध्यकारी नहीं है. ये उस देश पर निर्भर करता है कि वो इसे माने या ना माने. समुद्री सीमा के मामले में अदालत सिर्फ विवाद के निपटारे के लिए फैसला सुनाने का काम करती है, लिहाजा चीन ने कड़े तेवर दिखाते हुए इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया. दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का रुख जो पहले था वो आज भी कायम है. चीन ने अदालत के फैसले को ना सिर्फ मानने से इनकार किया बल्कि इसे पाखंड करार देते हुए कई सवाल भी उठाए हैं. चीन इस मामले पर इतना अड़ा हुआ है कि जब जनवरी 2013 में फिलीपींस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चुनौती दी तो चीन ने खुद को अदालती कार्रवाई तक से दूर रखा. अब चीन इस पूरे फैसले को गैर कानूनी बता रहा है. चीन ने ट्राइब्यूनल में शामिल न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं. चीन ने इसे राजनीतिक जोड़ तोड़ करार दिया. असल में ट्राइब्यूनल में 5 जज थे. चीन का आरोप है कि जर्मनी के न्यायाधीश वैक्रोन की नियुक्ति फिलीपींस ने की है, जबकि 4 अन्य जजों की नियुक्ति समुद्री कानून के अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल के तत्कालीन अध्यक्ष शुंजी यनाई ने की, जो कि एक जापानी राजनयिक है. शुंजी यनाई असल में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के एक कैबिनेट सदस्य भी हैं. लिहाजा चीन का आरोप है कि ट्राइब्यूनल ने निष्पक्ष फैसला नहीं सुनाया. चीन ने अदालती फैसले के बाद श्वेत पत्र जारी किया. श्वेत पत्र में चीन ने दावा किया कि दक्षिण चीन सागर पर उसका 2000 साल से अधिकार है. 20,000 शब्दों वाले श्वेत पत्र में चीन ने कहा है कि विवादित नैनहाई जुदाओ द्वीप पर उसका अधिकार ऐतिहासिक और वाजिब है. चीन का कहना है कि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते का मौजूदा फैसले में उल्लंघन हुआ है. चीन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि संयुक्त राष्ट्र के समझौते की धारा 298 के मुताबिक चीन ने शुरू से ही अपने कदम बढ़ाए हैं, लिहाजा किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के लिए वो तैयार है. इस बीच जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने चीन के ट्राइब्यूनल के फैसले का सम्मान करने को कहा है. We have no position on the competing claims to sovereignty. We have no claims of our own. But we insist that it is absolutely vital that all countries abide by international law, settle disputes peacefully, and in the context of this particular dispute that has been the subject of the decision last night, that both countries abide by the decision of the tribunal. चीन ने इन देशों की अपील खारिज करते हुए अमेरिका पर तीखा निशाना साधा. चीन ने कहा कि समुद्री सीमा के मामले में अमेरिका का दोहरा मापदंड है. यही नहीं, चीन ने अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को भी अपने पक्ष में होने का दावा किया. चीन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि 70 देशों का उसे समर्थन हासिल है, जबकि 90 देशों की संस्थाओं ने भी चीन के पक्ष में समर्थन का ऐलान किया है. एशियन देशों के साथ भविष्य में संबंध बिगड़ने की आशंकाओं को भी चीन ने खारिज कर दिया.
आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर के आसपास बसे देश ही एशियान के सदस्य हैं। चीन ने फिलीपींस के सामने बातचीत का विकल्प खुला रखा है। चीन का कहना है कि दक्षिण चीन सागर विवाद में शामिल सभी पार्टियों के साथ वो बातचीत करने को तैयार है और वो इसी रास्ते मामले का निपटारा चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दक्षिण चीन सागर का जो पूरा विवाद है वो दरअसल क्या है। सड़क का संघर्ष, जनता के मुद्दे, हम किसी भी निगोशिएशन में नहीं जाने वाले हैं प्रशासन से, डू और डाई की स्थिति है हमारे लिए। संसद की बात, नेताओं के अल्फाज, जीएसटी से बिहार का भरपूर लाभ होने वाला, ये पूंजीवाद का विकसित नहीं, ये विकृत रूप। जांच जो हो रही है वो सीबीआई के द्वारा हो रही है। आई थिंक द लास्ट ऑफ द पावर्स लेफ्ट विद द कोर्ट्स। दुनिया के कोने कोने में क्या रहा खास, हमारी खबरों के साथ कीजिए दिन का आगाज। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूँ अमृता चौरसिया। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा टीवी के साथ सुबह 7 और 9 बजे। दक्षिण चीन सागर पर विवाद दशकों पुराना है। चीन इस पर अपना दावा करता रहा है तो सागर के आसपास बसे देश चीन के दावों पर सवाल उठाते रहे हैं। इस इलाके में कई छोटे बड़े द्वीप भी हैं जिन पर कई देश अपना दावा करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की व्यापारिक और सामरिक भौगोलिक स्थिति है, जिसकी वजह से अमेरिका जैसे दूर दराज के देश भी इस विवाद में कूदे हुए हैं। दक्षिणी चीन सागर चीन के दक्षिण में मौजूद एक सीमांत सागर है। ये प्रशांत महासागर का एक भाग है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी में लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस इलाके में मौजूद कई द्वीपों पर आसपास के देश अपनी अपनी संप्रभुता की दावेदारी करते रहे हैं, लेकिन विवाद चीन के दावे से बड़ा हो गया। दरअसल चीन ने 1940 के दशक में दक्षिण चीन सागर में मौजूद कई इलाकों को अपने मानचित्र में शामिल किया था। 1948 में चीन ने बाकायदा इसके लिए एक अलग से मानचित्र भी जारी किया। इसके बाद वो पूरे इलाके पर अपना दावा जताने लगा। वहां उसने सैनिक अड्डे बनाने शुरू कर दिए और बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का काम भी चल रहा था। हालांकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे पड़ोसी देश उसके दावे को खारिज करते रहे हैं। उन्होंने हिस्टोरिकल क्लेम की बात की, जो 9-लाइन की बात होती है, और उन्होंने ये भी कहा कि साहब 9-लाइन आज की बात नहीं है, ये 2000 साल पुराना है। यानी कि इतना पुराना एंशंट हिस्ट्री को वो आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि विश्व के जितने भी जानकार हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी के जानकार हो या मैरिटाइम लॉ के ऊपर जानकार हो या अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होता है, सब ने यही कहा कि साहब अगर आप बार बार इतिहास की बात करते हैं, 2000 साल के इतिहास, तो मंगोलिया जो है वो आके कह सकता है कि पूरा चीन हमारा है, क्योंकि एक ज़माना ये भी था जब मंगोलिया ने पूरे चीन के ऊपर कब्जा किया था। दक्षिण चीन सागर की भौगोलिक परिस्थिति को समझने के लिए इलाके के मानचित्र को देखते हैं। दरअसल ये वो इलाका है जिस पर चीन अपना दावा कर रहा है, जबकि फिलीपींस चीन के दावे को खारिज करते हुए इस इलाके को अपने अधिकार क्षेत्र में बताता है। चीन ने तमाम दावों को नजरअंदाज करते हुए बीते सालों में यहाँ कई कृत्रिम द्वीप भी बना डाले हैं। इन द्वीपों पर चीन नियमित तौर पर युद्ध अभ्यास भी करता है। इस तरह ये पूरा क्षेत्र विवादों में आ गया है। इसके अलावा स्प्राटली द्वीप समूह पर भी चीन का दावा विवादास्पद है। ये द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में विवाद का मुख्य बिंदु है।
चीन के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के बाद द्वीप समूह को जापान से फिर से हासिल किया गया था और 1970 तक इस पर कोई दावेदार नहीं था। दरअसल लॉ ऑफ द सी नाम की संयुक्त राष्ट्र की संधि के मुताबिक समुद्र में डूबे किसी ढांचे यानी चट्टानों पर स्वतंत्र तट के रूप में दावा नहीं किया जा सकता और ना ही इन पर बना कोई ढांचा ही इन्हें कब्जे में तब्दील कर सकता है। 1973 से 1982 के बीच कई दौर की बातचीत के बाद 10 दिसंबर 1982 को लॉ ऑफ द सी पर कई देशों ने हस्ताक्षर किए। इस संधि में चीन भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक प्राकृतिक टापू पर मालिकाना हक वाला कोई देश इसके 12 नॉटिकल माइल दूर तक हवा और समुद्र में अपना दावा कर सकता है, लेकिन किसी कृत्रिम ढांचे पर यह लागू नहीं होता। चीन पर आरोप है कि वो कृत्रिम टापू बनाकर उन पर अपना दावा कर रहा है। हालांकि चीन के अपने दावे हैं। चीन के मुताबिक दक्षिण चीन सागर से उसके नागरिकों के 2000 साल पुराने संबंध हैं। चीन कहता आया है कि ये एक ऐसा इलाका था जहां सिर्फ चीनी नागरिक ही व्यापार करते थे, लिहाजा उसका यहां स्वाभाविक हक है। हालांकि वो मुक्त नेविगेशन यानी जहाजों की आवाजाही की गारंटी देने को भी तैयार है। चीन अपने स्तर पर आसियान देशों के साथ इन विवादों को सुलझाना चाहता है और अमेरिका को इससे दूर रखना चाहता है। चीन ने आसियान देशों के दक्षिण चीन सागर में बर्ताव की घोषणा पर पहले ही दस्तखत किए हुए हैं, जिसमें मुद्दे के शांतिपूर्ण हल के लिए शर्तें तय की गई हैं। लेकिन अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे पर इलाके का सैन्यकरण बढ़ाने का आरोप लगाते रहे हैं। इस इलाके की एक और खासियत है, आधा वैश्विक व्यापार दक्षिण चीन सागर से ही होता है। माना जाता है कि इस रास्ते सालाना 500 अरब डॉलर यानी करीब 33,660 अरब रुपयों का व्यापार होता है। यही वजह है कि रणनीतिक, सामरिक और आर्थिक तौर पर यह इलाका कई देशों के लिए महत्वपूर्ण है। विवाद के बाद से ही अमेरिकी पोतों ने भी इलाके में गश्त बढ़ा दी है। दक्षिण चीन सागर दुनिया का अहम व्यापारिक मार्ग है और यहाँ भरपूर मात्रा में तेल, गैस और खनिज होने के संकेत भी मिले हैं। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण चीन सागर पर भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले के सम्मान करने की अपील की है। दरअसल भारत के लिए भी ये क्षेत्र व्यापारिक रूप से काफ़ी अहम है। भारत इस मामले में अपना कदम काफ़ी सोच समझ कर उठाता रहा है। दक्षिण चीन सागर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले पर भारत ने संतुलित प्रतिक्रिया दी है। भारत ने सभी पक्षों से अपील की है कि वो बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण ढंग से विवाद का निपटारा करें। भारत के मुताबिक सभी पक्षों को इस फैसले के प्रति पूरा सम्मान दिखाना चाहिए। भारत ने साफ किया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के आधार पर नौवहन और निर्बाध वाणिज्य की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। इंडिया सपोर्ट्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट एंड अनइम्पीडेड कॉमर्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज रिफ्लेक्टेड नोटेबली इन द अनक्लॉस। इंडिया बिलीव्स that states should resolve disputes through peaceful means without threat or use of force and exercise self-restraint in the conduct of activities that could complicate or escalate disputes affecting peace and stability. दरअसल दक्षिण चीन सागर विवाद को भारत हमेशा से ही बातचीत के जरिए सुलझाने के पक्ष में रहा है। ये इलाका भारत के लिए भी काफी अहमियत रखता है, लिहाजा भारत यहाँ की हर गतिविधि पर नजर बनाए रखता है। दरअसल भारत का 55% समुद्री कारोबार इसी इलाके से गुजरता है। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय कारोबार बढ़ाने के लिए यह रास्ता काफी अहम है। जानकार मानते हैं कि अगर इस इलाके पर चीन का दबदबा होता है तो भारत भी इससे प्रभावित होगा। भारत का जो ONGC विदेश लिमिटेड ने उन्होंने 127-128 ब्लॉक्स में उन्होंने जो इन्वेस्ट किया अभी तक, इसको बहुत एक सपोर्ट मिलेगी इंटरनेशनल लॉ तरीके से, क्योंकि 2009 में जब INS आयरावत इंसिडेंट हुई, जबकि एक भारत का एक नौसेना की एक शिप वहाँ पे गई थी, तो एक कोएर्सिव डिप्लोमेटिक तरीके से चीन ने उनको भगाया, तो
अभी बहुत सारे जो कंपनीज खुलेआम जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ उनके मदद करेंगे। इस इलाके में सागर की तलहटी में तेल का खजाना है और इसकी मात्रा अरबों बैरल तक हो सकती है। भारतीय कंपनी ONGC ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर के दो ब्लॉक्स में तेल की खुदाई का काम अपने हाथ में लिया है। ये ब्लॉक्स वियतनाम के हैं, जिन पर चीन अपना दावा करता आया है। भारत और वियतनाम की तरफ से संयुक्त खुदाई से पहले भी चीन ने भारत को इस ओर रुख नहीं करने की चेतावनी दी थी, लेकिन भारत इस इलाके में स्वतंत्र कारोबार का पक्षधर रहा है। भारत का जो पोजीशन है, पारंपरिक जो पोजीशन है, हमने कहा कि हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और इंटरनेशनल लॉ और कस्टमरी प्रैक्टिस, इन तीनों को हम समर्थन देते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। और ख़ास साउथ चाइना सी के बारे में आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति जब यहाँ आए थे, पहली बार है कि एक जॉइंट स्टेटमेंट में भारत ने ये भी स्पष्ट किया कि साउथ चाइना सी हमारे लिए एक एरिया है जो सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए काफ़ी अहम है और हम इन सिद्धांतों को सपोर्ट करते हैं। हम फिलीपींस और चीन के बीच में जो क्षेत्रीय विवाद है टेरिटोरियलिटी के ऊपर, उसके ऊपर हमने कोई टिप्पणी नहीं। जानकारों के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में भारत का रुख चीन के साथ राजनीतिक और सामरिक संतुलन के लिए जरूरी भी है। भारत ने हाल ही में जापान और अमेरिका के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में अपना संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास मालाबार युद्धाभ्यास किया। भारत और अमेरिकी नेवी ये युद्धाभ्यास 1992 से करते आए हैं, लेकिन जापान को इसका हिस्सा बनाने के बाद चीन ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। इसके बाद भारत ने 3 युद्धपोत दक्षिण चीन सागर और पश्चिमोत्तर प्रशांत महासागर में भेजकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। जानकारों का मानना है कि अगर चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी मनमानी करने में कामयाब हुआ तो इसके बाद उसका दखल हिंद महासागर में भी बढ़ सकता है, जो भारत के हित में नहीं होगा। हाल ही में पाकिस्तान ने तो चीन को अपने यहाँ बुलाकर सुरक्षा कवर देने और हिंद महासागर में नौसेना अड्डा बनाने का भी प्रस्ताव दे दिया था। The maritime power balance in the South China Sea has an implication for Chinese maritime presence in the Indian Ocean. As you know, in just in the recent about 2 or 3 years, Chinese deployments in the Indian Ocean have gone up quite drastically. We have now submarines, Chinese submarines that are now coming into the Indian Ocean region. They are deploying high-end frigates, even amphibious ships. So we estimate that if the South China Sea is somehow secured by China, or this China increases its grip over the South China Sea, then it will be able to expand its presence in the Indian Ocean region. हालांकि इस मामले में भारत हमेशा सोच समझकर ही कदम उठाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जब अमेरिका गए तो वहां जो साझा बयान जारी हुआ उसमें दक्षिण चीन सागर का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन उसके पहले के दो बयानों में इसका साफ जिक्र था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सामुद्रिक विवादों पर बयान देते हुए कहा था कि इसे देश आपस में ही सुलझाएं। दक्षिण चीन सागर के मामले में ट्रिब्यूनल के फैसले ने चीन को रक्षात्मक स्थिति में तो लाया है थोड़ी देर के लिए, लेकिन हिंद महासागर पर फिलहाल चीन की जो नज़र है उस पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा यह देखने वाली बात होगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। दक्षिण चीन सागर विवाद को समझने के बाद आइए देखते हैं कब कब इस इलाके में विवाद बढ़ा और उसके बाद दक्षिण चीन सागर की गुत्थियां कैसे और उलझती गईं। जाते जाते इसी खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़ जा रहे हैं। नमस्कार। दक्षिण चीन सागर का विवाद आज से नहीं चल रहा। जमाने से इस इलाके पर चीन दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच तकरार जारी है। 1947 में चीन ने अंग्रेजों के यू आकार का नक्शा जारी किया, इसमें 11 बिंदु अंकित थे। 1953 में चीन ने टोनकिन की खाड़ी समेत एक और इलाके को नक्शे से हटा दिया। इसके बाद इस नक्शे में 9 बिंदु बच गए, लेकिन फिर भी नक्शे में मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों की सीमा से सटे इलाकों पर भी शामिल रहे। इसके बाद इन मुल्कों के बीच जो विवाद का सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। 1982 में बने समुद्री सीमा पर संयुक्त राष्ट्र के समझौतों के आधार पर फिलीपींस ने चीन के अधिकार को 1994 में चुनौती दी। इसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापक सहमति बनी, लेकिन 1995 में चीन ने विवादित मिस्चीफ टापू पर अधिकार जमा लिया। फिलीपींस ने इसके खिलाफ आसियान में आवाज उठाई। 1997 में फिलीपींस की नौसेना ने स्कारबोरो टापू में चीनी बोट को आने से रोक दिया तो चीन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। फिलीपींस ने इस इलाके में कई बार
चीनी मछुआरों को गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया। चीन की सीमा से 1000 किलोमीटर दूर बसे इस निर्जन टापू को लेकर दोनों देश एक बार फिर आमने सामने आ गए। 2009 में चीन ने 9 बिंदुओं वाला नक्शा संयुक्त राष्ट्र को सौंपा। चीन ने ये कदम वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया के संयुक्त राष्ट्र को सौंपे गए आवेदन के बाद उठाया। 2011 में चीनी पेट्रोल बोट्स जब स्पार्टली द्वीप के पास तेल की तलाश कर रहा था तो फिलीपींस ने इसके खिलाफ कूटनीतिक विरोध दर्ज किया। 2012 में चीन ने स्कारबोरो टापू पर मजबूती से अधिकार जमा लिया। इसके बाद 2013 में फिलीपींस इस मामले को लेकर स्थायी मध्यस्थता अदालत में ले गया। 2014 में चीन ने साफ किया कि ये मामला ट्राइब्यूनल के न्याय क्षेत्र में नहीं आता, लिहाजा चीन ने अदालत की कार्रवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। 2014 में ही फिलीपींस सरकार ने चीनी राजदूत को तलब किया। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि उनके मछुआरों पर चीनी नौसेना ने हमला किया। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल ने यह दावा किया कि फिलीपींस ने जिन 15 बिंदुओं को कोर्ट में चुनौती दी है उनमें से 7 उनके न्याय क्षेत्र के अधीन हैं। चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। 12 जुलाई 2016 को ट्राइब्यूनल ने फैसले को सुनाया कि चीन का इस इलाके पर ऐतिहासिक रूप से कोई भी अधिकार नहीं है। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।